क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके बॉयफ्रेंड ने अपने मोबाइल में आपका नंबर सेव किया हुआ है या नहीं किया हुआ? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप लोग जान सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड ने आपका मोबाइल नंबर सेव किया हुआ है अपने मोबाइल में या नहीं किया हुआ। तो किस तरह दोस्तों आप लोग जान सकते हैं उसको बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का नीचे बटन होगा उसको दबा के सब्सक्राइब करो, साथ में एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबाना। इसका फायदा यह होगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे क्योंकि हम इस चैनल पर बेस्ट एंड्रॉइड एप्स टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड ने अपने मोबाइल में आपका नंबर सेव किया हुआ है या नहीं किया हुआ तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। WhatsApp को ओपन करने के बाद इधर आपने थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इधर से आपने उस फ्रेंड को सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसने आपका नंबर सेव किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये मेरा एक फ्रेंड है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इसने मेरा नंबर सेव किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने इधर से कोई दूसरा नंबर और सेलेक्ट करना है, आप अपना भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये मेरा एक फ्रेंड है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं टिक के बटन पे क्लिक कर देता हूं। टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इस लिस्ट में कोई भी मैसेज सेंड कर देना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों पहले मैं कोई पिक्चर सेंड करता हूं ताकि दोस्तों किसी को भी शक ना हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये वाली एक पिक्चर है, इसको मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड कर दिया। उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया। उसके बाद इधर अगर ब्लू टिक लग जाती है उसके बाद आपने इसकी इंफॉर्मेशन में जाना है, तो देख सकते हैं ब्लू टिक लग गई है। उसके बाद आपने जो भी मैसेज सेंड किया हुआ होगा आपने उसको होल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद आपने थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद आपने इन्फो में जाना है। जैसे ही दोस्तों मैं इन्फो में गया इधर मुझे एक फ्रेंड का नाम शो हो रहा है लेकिन दूसरे फ्रेंड का नाम शो नहीं हो रहा, जिसके बारे में मैं चेक करना चाहता था शुएब अहमद के बारे में कि उसने अपने मोबाइल में मेरे नंबर को सेव किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो उसका नाम इधर शो नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों उसने अपने मोबाइल में मेरे नंबर को सेव नहीं किया हुआ। अगर दोस्तों उसका नाम इधर शो हो रहा होता तो इसका यह मतलब था कि उसने अपने मोबाइल में मेरे नंबर को सेव किया हुआ है। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में चेक कर सकते हैं कि उसने अपने मोबाइल में आपका नंबर सेव किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो है ना दोस्तों काफी कमाल की ट्रिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी दबाना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।